नमस्कार, जिंदगी 74 चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एग्जाम फियर की। एग्जाम फियर क्या होता है और क्यों हो जाता है? देखिए, एग्जाम फियर है वो चीज कि आपने पेपर तो देने हैं लेकिन तैयारी तो की ही नहीं है, और इस वजह से आपको ये हो जाता है। देखिए, कई बार आपको लगता है कि आपने अच्छे से पढ़ा है और न जाने क्या होगा। नहीं, इसका मतलब आपने ठीक से पढ़ा ही नहीं है। अगर आप ठीक से टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और उसकी रिवीजन कर लेते हैं तो ये आपको कभी भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों से अगर आपको हो रहा है तो आज मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगी कि ये फिर आपको कभी नहीं होगा और आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। देखिए, एग्जाम फियर से बचना है तो सबसे पहले आप अपना टाइम से सिलेबस कंप्लीट कीजिए, फिर अपने सिलेबस की रिवीजन कीजिए। रिवीजन में जो आपका कुछ रह गया था वो पूरा हो जाएगा। अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपकी रिवीजन अच्छे से हुई है और अब आपको किसी भी एग्जाम में बैठने से डर नहीं लगना चाहिए कि आप उसमें बैठने से डरे कि अरे मैं तो एग्जाम के टाइम में भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी एकदम से, मैं तो ब्लैंक हो जाता हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि इसका आंसर क्या है। अरे नहीं बच्चों, ये सब डरने की चीज नहीं है। जब आपने अच्छे से कंप्लीट किया है तो डर किस बात का? क्वेश्चन वही होंगे, आपके सिलेबस में से आए हुए होंगे, और अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है तो फिर आप उनको क्यों नहीं कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे, और आप इतने इंटेलिजेंट हैं भी कि आप उनको कर पाएंगे। देखिए, 100% नहीं ला सकता है। आप अपने को उस अंकों की दौड़ से पीछे रखिए कि मुझे इतने अचीव करने हैं। नहीं, आप ये देखिए कि आपको कितना आता है और आप कितने अच्छे से उसको कर पाएंगे। और जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि मैं ये अच्छे से कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो आप उसे अच्छे से कर भी पाएंगे। देखिए, आप अपने अंदर से डर निकाल दीजिए कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, मेरी कितनी परसेंटेज आएगी, आगे जाके न जाने मेरा क्या होने वाला है। नहीं, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है तो आप अच्छा ही कर पाएंगे, अच्छा ही करेंगे। और अगर आपने अपना सिलेबस और रिविजन ठीक से किया है तो अब आप हर एग्जाम में बैठने के लिए रेडी हैं। एग्जाम फियर होता यही है कि आपने तैयारी ठीक से नहीं की होती है, तभी होता है, नहीं तो होगा ही नहीं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हो जाती है जिसकी वजह से हो जाता है। जैसे आपने अपनी नींद पूरी नहीं की है, आप पढ़ाई में इतना मगन हैं कि आप ना तो टाइम पे खा रहे हैं ना सो रहे हैं, इसकी वजह से भी आपको थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। इससे आपको बचना चाहिए। एग्जाम फियर से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, एक शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे इस समय पर खाना है, इस समय पर पढ़ना है। आप ऐसा ना कीजिए कि दिन रात आप पढ़ ही रहे हैं, ना खाने पे ध्यान दे रहे हैं, ना नींद पे ध्यान दे रहे हैं, ना अपने मनोरंजन का ध्यान रख रहे हैं। अब तो आपका एग्जाम फियर होना ही है, क्योंकि अगर आपने अपनी सेहत का ही ध्यान नहीं रखा तो आप क्या एग्जाम दे पाएंगे? पता चल रहा है आप एग्जाम से पहले ही तबीयत खराब कर बैठे हैं। नहीं, आप ऐसा ना कीजिए। सबसे पहले आप अपनी डाइट का ध्यान रखिए। आप अपनी डाइट के साथ साथ नींद का ध्यान रखिए, नींद पूरी लीजिए। अपने पढ़ाई के समय को निश्चित कीजिए कि मैं इतनी देर तक ही पढ़ूंगा। फिर आप अपनी बुक से एक तरफ रखिए और खड़े हो जाइए और घूमिए, अपना थोड़ा सा माहौल चेंज कीजिए, फिर आकर आप दोबारा से अपनी स्टडी कीजिए। इससे आपको एग्जाम फियर नहीं होगा। और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि एग्जाम में क्या होगा, क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये उसी वक्त पता चलता है जब एग्जाम हो रहा होता है। उससे पहले ये टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। और जब आपने सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया है तो फिर कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो। हाँ, बात करने का तरीका अलग हो सकता है, क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं। एक क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जाता है, बस आपको यही अंडरस्टैंड करना है। जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो आपको यही अंडरस्टैंड करना होता है कि क्वेश्चंस को किस किस ढंग से पूछा जा सकता है और मैं इसका जवाब किस तरीके से दूंगा। क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, आपने आंसर तो वही देने हैं ना जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, इससे अलग तो आप देंगे नहीं। तो इसलिए पेशेंस को बनाए रखें। अपना पेशेंस बनाए रखने के साथ साथ आप अपनी स्टडी कंप्लीट कीजिए। आप अपना पेशेंस बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, अपने दिमाग को शांत रखिए, नींद पूरी लीजिए, खाने का विशेष ध्यान रखिए, अपने मनोरंजन का भी ध्यान रखिए। एग्जाम 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 ना करते रहें। हर समय एग्जाम एग्जाम करते रहेंगे तो आपका दिमाग अपसेट हो जाएगा और आपको ठीक से पढ़ाई नहीं करने देगा, और आप ना तो सो पाएंगे, ना ही खा पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे, जिसकी वजह से आपको एग्जाम फियर हो जाता है। अब बात आती है घर के माहौल की, यानी कि पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है और घर का माहौल किस प्रकार के बनाए रखे जब आपके बच्चे के एग्जाम है। ऐसा लगता है एग्जाम जैसे आज के समय में पेरेंट्स के हो रहे हैं, बच्चों के नहीं। पेरेंट्स घर में ऐसा माहौल बना देते हैं कि एग्जाम है, एग्जाम है, बच्चे पे इतना प्रेशर डाल देते हैं
कि बच्चा परेशान हो जाता है एग्जाम शब्द से ही। उसको ये लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, और खास तौर पे 10th और 12th में तो पेरेंट्स इतना बच्चों के पीछे लग जाते हैं, आपको पढ़ना है, आपको इतने परसेंटेज लानी है, आपको इतनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो इतने परसेंटेज आने ही आने चाहिए। आप बच्चे से बातचीत कीजिए, उसको समझाइए, उसके सिलेबस पर चर्चा कीजिए, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चा किस माहौल में है, उसके दिमाग में कोई स्ट्रेस तो नहीं है एग्जाम को लेके। घर में युद्ध जैसा माहौल ना बनाए कि एग्जाम है और पढ़ना है और आप उसके सर पे छुट्टियां ले लेके बैठे हुए हैं कि हमने तुम्हारे लिए छुट्टियां की हुई हैं, तुम पढ़ो। नहीं, आप ऐसा माहौल मत बनाइए घर में। ये पेरेंट्स का फियर है एग्जाम का, बच्चों को नहीं है। आप बच्चे के ऊपर लाद रहे हैं कि अपनी टेंशन को आप बच्चों पे थोप देते हैं कि अरे आपने पढ़ना है, पढ़ना है, आपके एग्जाम है, मैंने आपके लिए छुट्टी ली है, क्या है ये। नहीं, इस प्रकार का माहौल घर में मत बनाइए। जिस प्रकार से आपकी लाइफ पहले चल रही थी, अपनी लाइफ को वैसे ही चलने दीजिए। बच्चे के एग्जाम है, बच्चा खुद से पढ़ेगा, आप उस पर भरोसा कीजिए, बच्चे को प्रोत्साहित कीजिए, ना कि बच्चे पर प्रेशर बनाइए। आप बच्चे को कभी भी ये ना कहें कि तुम इस समय खाओ, इस समय पियो और अब पढ़ो ही पढ़ो। आप कभी भी बच्चों को ये ना कीजिए कि पढ़ो पढ़ो। अरे वो पढ़ रहा है, उसमें इतना है कि वो पढ़ के आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन आप उस पर भरोसा तो कीजिए। आप दूसरे के बच्चे के साथ अपने बच्चे का कंपेयर करते रहेंगे, उनके बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, आप इतना अच्छा नहीं कर रहे हो, बच्चे की क्या मनोस्थिति हो जाएगी, उस पर कितना प्रेशर आएगा, कभी उसकी तरफ से भी सोचिए। आप पेरेंट्स हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि बच्चा किस माहौल में है, उसका क्या मनोस्थिति है और वह पढ़ने में कितना इंटरेस्ट ले रहा है। आप बच्चे पर भरोसा दिखाएंगे तो बच्चा जरूर पढ़ पाएगा और वो अच्छे से अपना एग्जाम कर पाएगा। अगर आपके बच्चे को आप देखिए कि उसकी मनोस्थिति क्या है, अगर उसको एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है तो दिलवाइए, आप खुद दे सकते हैं तो खुद दीजिए। उसका कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, ना कि उसका कॉन्फिडेंस गिराइए। एग्जाम के टाइम पे प्रेशर बिल्कुल नहीं डालिए, आप एग्जाम को ऐसे लीजिए जैसे आप नॉर्मल लाइफ में होते हैं। आप एग्जाम में घर का माहौल ऐसा बना देते हैं कि बच्चे को टाइम पे उठा देंगे, सुबह सुबह उसको कहेंगे पढ़िए, रात को वो देर से पढ़ रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है कि वो पढ़ रहा है। अरे नहीं, उसकी नींद भी पूरी होनी जरूरी है। आप ये सोचते हैं कि अरे नहीं, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे पे तो हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अरे हर बच्चा एक जैसा है, हर पेरेंट्स एक जैसा है, हर कोई इस अंकों की दौड़ में भाग रहा है। आप अपने बच्चे की स्थिति को समझिए, उसे एग्जाम फियर से बचाइए और खुद भी बचिए। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके बच्चे के 1-2% नंबर कम भी आ गए तो क्या वो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाएगा। नहीं, आप उसे कामयाब देखना चाहते हैं तो दिमाग के साथ देखिए, बच्चे की मानसिक स्थिति के साथ खिलवाड़ ना कीजिए कि आप एग्जाम है और उस पर आप प्रेशर बना रहे हैं। आपके प्रेशर में वो कितना पढ़ेगा, नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए ऐसी स्थिति घर में नहीं बनाएं। देखिए वो बच्चा है, वो पढ़ रहा है, घर के माहौल को अच्छा बनाइए, खुश मिजाज रहिए, बच्चे को भी खुशी का वातावरण दीजिए ताकि उसका मन भी पढ़ाई में लग सके। बच्चे को कभी भी आप इस तरह की स्थिति ना दिखाएं कि एग्जाम है और न जाने क्या हो रहा है। ये तो पूरे साल का एक ऐसा टाइम होता है कि जिसमें बच्चे और पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलना चाहिए, कि पेरेंट्स बच्चे के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर इतना अच्छा कर रहे हैं कि वो अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं। लेकिन कुछ घरों में ऐसी स्थिति हो जाती है कि न जाने जैसे क्या होने वाला है, तो इस स्थिति को ना बनाएं। रिजल्ट आने के बाद भी आप बच्चे के साथ उसी माहौल में रहिए, उसी अच्छे वातावरण को डेवलप करके रखिए घर में। कोई बात नहीं, अगर आपके बच्चे के परसेंटेज 95 या 98 या 99 नहीं आई, क्या हो गया, हर कोई 99 नहीं ला सकता है। उसका विश्वास जीतिए और उसको बताइए कि हाँ बेटा आपने अच्छा किया है, ना कि उसको आप रिजल्ट के बाद ये सुनाए कि अरे इतना करने के बाद भी आपका यही रिजल्ट रहा। नहीं, ऐसा ना कीजिए। उसको जिंदगी में आगे बढ़ने में आपकी जरूरत है, उसकी जरूरत आप अच्छे से पूरा कीजिए, ना कि उसको रिजल्ट आने पर नीचा दिखा करके अरे आपका परसेंटेज तो इतना नीचा आया है, हम क्या पड़ोसियों को वो दिखाएंगे या किसको क्या बताएंगे कि हमारे बच्चे की ये परसेंटेज आई है। अरे नहीं, ये क्या माहौल बना रहे हैं आप अपने साथ और अपने बच्चों के साथ ना इंसाफी कर रहे हैं। आप अपने आपको देखिए कि क्या कभी आपको आपके पेरेंट्स ने ये सब करने के लिए टोका टिप्पणी की थी, नहीं ना। फिर भी आप कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं। ताकि कोई भी चीज ना कीजिए कि आपके बच्चे का मन टूटे और वो सोचे कि अरे मैं बहुत पीछे रह गया या मैं अपनी क्लास में निकम्मा हूँ। नहीं, आप इस तरह की कोई भी चीज ना कीजिए।
ऐसा करके आप एग्जाम फियर से खुद को भी बचा सकते हैं और बच्चे को भी बचा सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।